हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और पवनदीप राजन अभी क्या है ना, थोड़ा सा उनका सोशल स्टेटस चेंज हो गया है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, पवनदीप राजन पहले क्या थे, जहां से आए थे चंपावत से, वहां पर वो एक चाइल्ड प्रोडिजी थे। मतलब बचपन में बहुत कम एज में जब वो थे दो ढाई साल के, तब से तबला बजा रहे हैं और इसी की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हुआ है। ओके, और इस बात की मालूमात सभी को है। उसके बाद वो क्या हैं, वो एक गायक हैं, वो एक परफॉर्मर हैं, वो मतलब जूडो कराटे जानते हैं। उसके अलावा उन्हें तरीके तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो बहुत अच्छे एंकर भी रह चुके हैं। साथ ही आई मीन म्यूज़िक गाने में तो वो हैं ही, म्यूज़िक डायरेक्टर भी वो हैं ही। रिश्ते की अगर मैं बात करती हूँ तो रिश्ते में क्या है, एक पुत्र है, मतलब पिता और माता के पुत्र हैं, दो प्यारी सी बहनों के भाई हैं, दोस्त हैं, मतलब उनके पास तमाम सारे इतने सारे रिलेशनशिप हैं। नॉट टू फॉरगेट अरुणिता के बेहतरीन सिंगिंग जोड़ी वाले साथी हैं, बेहतरीन साथी, इतनी ब्यूटीफुल म्यूजिकल जोड़ी, डिफिकल्ट है मिलना। ऐसे में बड़े अच्छे बैंड मेंबर हैं, बड़े आज्ञाकारी भी हैं। अलग अलग जगह जब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो दिखाई भी देता है कि ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी नाइस। लेकिन एक ऐसा रिलेशनशिप उनके ज़िंदगी में अभी आया है जो उन्होंने अभी तक कभी महसूस नहीं किया था। ये वो रिलेशनशिप है जो उनको एक नए तरीके के रिश्ते में बांध कर रख रहा है। तो आई एम श्योर आप ये जानना चाहते होंगे कि ये रिश्ता कौन सा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, एक बहुत सुंदर सी न्यूज़ मेरे सामने आई है। पवनदीप के जो ताऊ जी हैं उनकी बिटिया हैं, और अब जो बिटिया की भी बिटिया हो गई है, यानी कि पवनदीप अब मामा जी बन गए हैं, यानी पवन मामा कहलाएंगे, या पवनु मामा, या पवनदीप मामा, ऐसा कुछ कहलाएंगे। यानी हो गया ना सोशल स्टेटस चेंज। और जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है, ये कपल तो खैर बहुत ही सुंदर है, जिनकी बिटिया हुई है उनका पिक्चर भी सोशल मीडिया पर अभी अपलोड किया गया है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, कुछ ही घंटों पहले की बात है, होलिका के समय पर हुई है। और साथ ही में ये भी है कि बहुत प्यारी सी बच्ची है और मामा पहली बार बन रहे हैं जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है। यानी कि अब पवनदीप जो है वो एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। मामा जी के साथ रिश्ता कैसा होता है, थोड़ा सा बदमाशी पड़ा, थोड़ा सा थोड़ी सी मिस्चीवियस होते हैं। मामा जी के साथ आइसक्रीम खाने जा सकते हैं, मामा जी के साथ वो सब काम कर सकते हैं जो आप शायद मम्मा पापा के साथ ना कर पाए। तो ये जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, एक नन्ही परी आपके घर पर आई है। पवनदीप, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, माता पिता को, और घर में जितने भी बड़े सदस्य छोटे सदस्य हैं उन सभी को, क्योंकि प्यारी सी जो नन्ही सी कली आपके घर में खिली है ना, वो आपके लिए और सौभाग्य लेकर आए और प्यार लेकर आए, हम तो यही कामना करते हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगा था, कोई नया रिश्ता, मतलब यू नो, वैसे भी उनके शादी को लेकर बहुत सवाल खड़े किए जाते हैं, रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो इस वाले रिश्ते की बात कर रही हूँ। बाकी तो क्या है, प्यारी सी बच्ची आई है, उसके लिए आप भी प्रार्थना कीजिए। और हम तो यही चाहेंगे, ये जो प्यारा सा बच्चा आपके घर पे आया है, खूबसूरत सा मासूम आपके घर में आया है, वो भी संगीत में जब बात करे तो वो भी उतनी ही सुरीले तरीके से अपनी बात लोगों के सामने रखे। खूब जियो, जुग जुग जियो, जय हिंद।